हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग ऑनलाइन। इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में हमने डिफरेंट आर्डुइनो बोर्ड्स के बारे में पढ़ा था और इस पार्ट में हम आर्डुइनो यूनो के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। आर्डुइनो यूनो असल में एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है और इस माइक्रो कंट्रोलर का नाम है ATmega328। और अगर आप खुद इसका नाम देखना चाहते हैं तो आप अपने आर्डुइनो यूनो पर मौजूद माइक्रो कंट्रोलर का नाम खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इस बोर्ड को देखें तो इसमें बहुत सारे और भी कॉम्पोनेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रीसेट बटन, पावर यूएसबी, क्रिस्टल ऑसिलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, पावर जैक, एनालॉग रेफरेंस पिन, डिजिटल पिन्स एंड पीडब्ल्यूएम पिन्स, पावर एलईडी इंडिकेटर, टीएक्स एंड आरएक्स एलईडीज, आईसीएसपी पिन्स, मेन माइक्रो कंट्रोलर, एनालॉग पिन्स, ग्राउंड पिन 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट पिन। तो सबसे पहले हम रीसेट बटन को देखते हैं। रीसेट का मेन मकसद प्रोग्राम को शुरू से रन करना है। इसके दो तरीके हैं मेनली, या तो आप रीसेट बटन को प्रेस करें जो बोर्ड पर पहले से मौजूद है, या फिर एक्सटर्नली आप एक रीसेट बटन आर्डुइनो की रीसेट पिन से अटैच कर दें। रीसेट पिन इसलिए भी बोर्ड पर मौजूद है कि अगर आप मैन्युअली बटन प्रेस नहीं कर सकते तो आप रीसेट सिग्नल की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर यूएसबी। इस यूएसबी की मदद से आप आर्डुइनो को इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आप यूएसबी केबल यूज़ करते हैं जो आपके पीसी से कनेक्टेड होती है और उसका दूसरा एंड आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसकी हेल्प से आप आर्डुइनो पर प्रोग्राम भी अपलोड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर जैक। इन केस अगर आप आर्डुइनो को पीसी के साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट नहीं रख सकते तो आप प्रोग्राम एक बार अपलोड करके इस पावर जैक की मदद से डायरेक्टली पावर देते हैं और इसकी रिकमेंडेड वोल्टेज रेंज 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक है। फिर है वोल्टेज रेगुलेटर। वैसे तो हम इस रेगुलेटर के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन इसका मेन पर्पस उस एसी वोल्टेज को कंट्रोल करना है जो हम पावर जैक से प्रोवाइड करते हैं। जितना भी बोर्ड पर डीसी वोल्टेज यूज़ हो रहा है, इस आईसी का काम उसको स्टेबलाइज करना है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड पर जितने भी बाकी कंपोनेंट इस वोल्टेज को यूज़ करते हैं उन्हें एक स्टेबल डीसी वोल्टेज चाहिए होता है, और अगर डीसी वोल्टेज स्टेबल ना हो तो वो सारे कंपोनेंट्स बर्न आउट हो सकते हैं। फिर है क्रिस्टल ऑसिलेटर। यूजुअली जितने भी टाइम रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनसे ये ऑसिलेटर डील करता है। अगर आपको प्रोग्राम में करंट टाइम रिक्वायर्ड होता है तो आर्डुइनो इसी ऑसिलेटर की मदद से वो टाइम कैलकुलेट करता है। और अगर आपको अपने बोर्ड पर मौजूद ऑसिलेटर का नंबर देखना है तो आप इजीली देख सकते हैं। इस बोर्ड पर मौजूद ऑसिलेटर का नंबर है SPK16.000G। तो इस नंबर में जो वर्ड 16 है वो ये बता रहा है कि इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 16 MHz है। नेक्स्ट है पावर LED इंडिकेटर। जब भी आप आर्डुइनो में पावर सोर्स प्लग इन करेंगे तो ये LED ब्लिंक होना शुरू हो जाएंगी, और अगर प्लग इन करने के बावजूद भी ये LEDs ब्लिंक नहीं करती तो उसका मतलब ये है कि या तो आपके बोर्ड में कोई इशू है या फिर आपकी पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिट एंड रिसीव पिन्स एंड LEDs। ट्रांसमिट और रिसीव पिन का मेन पर्पज़ ये है कि जितनी भी सीरियल कनेक्टिविटी डेवलप होती है वो इन दोनों पिन्स के थ्रू होती है। अगर आप डेटा को सीरियली ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये ट्रांसमिट LED और रिसीव LED ब्लिंक करना शुरू हो जाएंगी, और जिस रेट से डेटा ट्रांसफ़र होता है उसी रेट से ये LEDs ब्लिंक करती हैं, और अगर आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा तो ये LEDs ऑफ हो जाएंगी। फिर है हमारे पास ICSP पिन्स। ICSP को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ICSP की फुल फॉर्म है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। ICSP का अहम फ़ायदा मैन्युफैक्चरर को होता है, जब वो चिप्स को बोर्ड में इंस्टॉल कर लेते हैं तो ICSP की मदद से इनकी प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं। इन्हें अलग से चिप्स को प्री प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे इनका टाइम भी सेव हो जाता है और प्रोग्रामर की कॉस्ट भी। अगर आप बोर्ड पर देखें तो ICSP एक छोटा सा हेडर है जिसमें 6 पिन्स हैं, MOSI, MISO, SCK, रीसेट, VCC एंड ग्राउंड। इसके अलावा इन्हें SPI यानी कि सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्डुइनो बोर्ड की मेन IC। इसे आर्डुइनो का ब्रेन भी कहा जाता है। इस IC का मैन्युफैक्चरर एटमेल कंपनी है, और जब भी आप आर्डुइनो पर काम कर रहे हो तो उस प्रोग्राम लोड करने से पहले आप इस IC का नाम देख लें। यूजुअली हमारे पास 3 तरह की ICs अवेलेबल हैं, या तो 8 MHz, 8 MHz 168 और 8 MHz 328। आर्डुइनो यूनो पर 14 डिजिटल IO पिन्स होती हैं। यहाँ I का मतलब इनपुट है और O का मतलब आउटपुट है।
इन 14 पिन्स में से 6 पिन्स को PWM यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये PWM की नोटेशन के लिए यूज़ होता है, और जिस पिन के साथ भी ये सिंबल मौजूद है उस पिन को आप PWM के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड पे देखें तो पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 और 11 के साथ ये सिंबल अटैच है, इसका मतलब है ये PWM के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। अब PWM है क्या, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। अभी आप इतना समझ लें कि इसकी हेल्प से आप आउटपुट सिग्नल को अपनी मर्जी के लिए कुछ देर के लिए ऑन रखते हैं और कुछ देर के लिए ऑफ़ कर सकते हैं। और सबसे आसान एग्जांपल ये है कि अगर आप LED को ब्लिंक करवाना चाहते हैं, कुछ देर के लिए ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए PWM यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एनालॉग पिन्स। Arduino Uno पर 6 एनालॉग पिन्स हैं A0 से A5 तक। इन पिन्स को हम एनालॉग सेंसर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का काम भी करती हैं। सेंसर से जो एनालॉग इनपुट या एनालॉग सिग्नल आ रहा होता है ये उसको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करके मेन IC तक पहुंचाती हैं। फिर आपके पास है ARF या फिर एनालॉग रेफरेंस पिन। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट एनालॉग रेफरेंस 5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट सेट होता है, लेकिन अगर आपने इस रेफरेंस को चेंज करना है तो आप एक्सटर्नली जो भी वोल्टेज इस पिन पर अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज एनालॉग रेफरेंस के तौर पर सेट हो जाएगा। फिर Arduino Uno पर 5 पावर पिन्स हैं, Vin 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ग्राउंड एंड IOREF। या तो आप पावर जैक के थ्रू वोल्टेज सप्लाई कर रहे होते हैं या फिर आप Vin पिन के थ्रू भी वोल्टेज दे सकते हैं। 5 वोल्ट पिन आउटपुट पिन है, Arduino बोर्ड इस पिन के थ्रू हमें DC 5 वोल्ट आउटपुट देता है, और इस वोल्टेज को आप फर्दर आगे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। V3 पिन या फिर 3.3 वोल्ट DC आउटपुट देती है, और इसमें मैक्सिमम 50 मिली एम्पेयर्स का करंट पास हो रहा होता है। 2 ग्राउंड पिन्स हैं हमारे पास और एक IOREF पिन है। IOREF बोर्ड के IO पिन से रिलेटेड होती है, और इस पिन पर आपको Arduino से 5 वोल्ट मिलता है। वैसे इसके अलावा इसका कोई ख़ास यूजेज नहीं है। अच्छा, हमने Arduino Uno पर मौजूद तमाम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है। जब आप इस पर प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इन तमाम कंपोनेंट्स में अगर कोई कंपोनेंट आपको समझ ना आया हो या किसी में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, उस पर आप अपनी तमाम क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि सीरीज से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ आपको जल्द आप तक पहुँच जाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम Arduino IDE को इंस्टॉल करेंगे और Arduino Uno के साथ उसकी इंटरफेसिंग करेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।